लोक कला हेला ख्याल की विशेषताएं एवं यात्राओं पर हम कुछ बातचीत करेंगे, कुछ शेयरिंग में आप लोगों के साथ में करूंगा। और इसके साथ साथ कुछ हेला ख्याल की प्रस्तुतियां भी आप सभी के साथ में गायन करके बता रहा हूँ कि हेला ख्याल जो लोक कला है वो किस तरह से गाई जाती है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में हेला ख्याल की जो पृष्ठभूमि है वो मैं आप सभी को साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हेला ख्याल की जो परंपरा है वो काफ़ी प्राचीन है। और अगर हमें बात करें कि हेला ख्याल जो लोक कला है वो एक अभिव्यक्ति की एक शैली है और ये राजस्थान में 3-4 जिले हैं वहीं पर इस हेला ख्याल जो शैली है, जो विधा है, इसको गाया जाता है। जिसमें मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान में एक करौली जिला है, वहाँ पर हेला ख्याल की कई पार्टियाँ हैं जो हेला ख्याल प्रस्तुत करती हैं। दूसरा जिला भरतपुर है, तो भरतपुर जिले में भी हेला ख्याल गाया जाता है। और तीसरा जिला अगर है तो दौसा जिला है, और दौसा जिला में खास अगर मैं प्रमुखता से अगर कहूँ तो लालसोट जो तहसील है वो हेला ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर प्रतिवर्ष विराट दंगल का आयोजन होता है और हम सभी इससे अवगत भी है। और चौथा जो जिला है वो सवाई माधोपुर है। तो इन 4 जिलों में हेला ख्याल की जो पार्टियां हैं वो प्रस्तुतियां देती हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कि हेला ख्याल से जो मेरी मुलाकात है कि मैं हेला ख्याल जिस इन 4 जिलों में से मैंने बताया कि मैं करौली जिले में हिंडोन सिटी का रहने वाला हूं और हिंडोन सिटी के पास में गांव है, तो वहां पर हेला ख्याल की जो पार्टी है तो मैं बचपन से ही उस हेला ख्याल पार्टी के साथ में मैं जुड़ा रहा। और मैंने उस हेला ख्याल जो पार्टी थी उसमें मैंने एक मीडिया के रूप में इसको कहे कि मैंने जो अग्रभाग में जो हेला ख्याल जो कलाकार गाते हैं उसमें मैं गायन भी करता था, उनके साथ में मैं गाता था। तो इसलिए मेरी रुचि शुरू से ही बचपन से मेरी रुचि हेला ख्याल में है। और क्योंकि मैं जब हेला ख्याल गाता आया हूँ तो गाने के साथ साथ मुझे मैं और जो लोक कलाकार हैं उनके साथ में मेरी मुलाकात होती रही है। लेकिन 2 साल पहले हमारे स्टाफ साथी टोंक में हमारे स्टाफ साथी राजकुमार रजक और हमारे जो जनसरोवर मंच के जो आयोजक हैं देवेंद्र जी, उनके साथ मैंने जब हेला ख्याल की एक शेयरिंग की और उनको बताया कि भाई ये 3-4 जिले हैं जहाँ पर हेला ख्याल गाया जाता है और उस हेला ख्याल की पार्टियों का एक मैं भी एक हिस्सा हूँ और मैं गाता हूँ, तो मैंने मेरे अनुभव शेयर किए। तो इन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी और ये मुझे मोटिवेट किया कि क्यों नहीं आप इस हेला ख्याल को लेके आप थोड़ा कुछ इसका और आगे इसको बढ़ाएं, आप लोग इसको गाएं और गाने के साथ साथ इसका कलेक्शन करें। तो तब मन में एक बीज बोया कि हेला ख्याल को क्यों नहीं मैं एक इस पर एक रिसर्च करूं, एक अनुसंधान करूं, क्योंकि ये विधा प्राय लुप्त होती जा रही है। आज हमारे समाज में इसको बहुत कम लोग गाते हैं, तो इसलिए ये जो बीज जो पनपा मेरे मन में, तो मैं पिछले 1.5 साल से हेला ख्याल की मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, कुछ कलाकारों से इंटरव्यू भी मैं लेकर आता हूँ। और जहाँ भी हेला ख्याल के दंगल का आयोजन होता है तो मैं वहाँ चूकता नहीं हूँ, मैं वहाँ जरूर जाके
उपस्थित होता हूँ और हिला ख्याल गायन का मैं पूरा आनंद लेता हूँ। अब आगे हम बातचीत करते हैं कि मैंने बहुत सारे हिला ख्याल कलाकारों से मैंने बातचीत की, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो मैंने थोड़ा ये जानना चाहा कि एक्चुअली हिला ख्याल का इतिहास क्या है। तो हिला ख्याल के इतिहास को लेके बहुत सारे जो कलाकार हैं उनके अलग अलग विचार, अलग अलग मत इसको लेके आए। कुछ हिला ख्याल कलाकार कहते कि ये हिला ख्याल काफ़ी पुराना है और वो बताते हैं कि भई रजवाड़ा काल में मसाल जलाकर इस हिला ख्याल की को गाया जाता था, ये बहुत प्राचीन शैली है। कुछ बताते हैं कि ये औरंगजेब जो बादशाह थे उस समय, तो उनके महलों में हवेली संगीत गाया जाता था, तो हवेली संगीत गाया जाता था तो उसमें हेला ख्याल का गायन भी हुआ करता था। तो ये उस जमाने का हेला ख्याल है। और कुछ कलाकार कहते हैं कि ये अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को जोड़कर कुछ आध्यात्मिकता में इसके हिला ख्याल को गाने लगे, कुछ लोग ये बताते हैं। और कुछ कहते हैं कि ये मुगल काल से ये चला आ रहा है हिला ख्याल, और उससे पहले ध्रुपद गायन हुआ करता था, तो ये तब से हिला ख्याल की प्रस्तुतियां ये होती रही है। तो ये काफ़ी प्राचीन रही है हिला ख्याल। और इसमें मैं थोड़ा सा ये, क्योंकि इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ कलाकारों ने ये भी कहा कि हिला ख्याल पहले जो गाए जाते थे वो बहुत बड़े हिला ख्याल हुआ करते थे, और उसके बाद में धीरे धीरे ये छोटे हिला ख्याल होने लगे, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि ये बड़े जो हिला ख्याल थे वो 48 मात्राओं के हुआ करते थे, और उसके बाद में धीरे धीरे ये 24 मात्राओं के हिला ख्याल। और इसमें ये बताते हैं कि पहले लोगों में कथा सुनने का, पौराणिक कथाओं को सुनने का काफ़ी धैर्य था, काफ़ी दो दो घंटे तक वो लगातार सुन सकते थे, लेकिन आज के जो श्रोता हैं वो दो घंटे किसी कथा को एकाग्र चित्त से नहीं सुनते हैं, उनमें एक बोरियत भी आ जाती है। तो इसलिए फिर धीरे धीरे जो रचनाकार हैं उन्होंने 24 मात्राओं की हिला ख्याल की रचनाएं वो करने लगे और उनकी प्रस्तुतियां भी होने लगी। तो अभी जो वर्तमान में जो हिला ख्याल गाए जाते हैं वो 24 मात्राओं के वो छोटे हिला ख्याल गाए जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बात ये भी करूँगा कि हिला ख्याल का जो आयोजन होता है, एक्चुअल कोई जो भी गाँव जो हिला ख्याल का आयोजन करता है तो वहाँ के जो स्थानीय पंच पटेलों द्वारा निर्धारित राशि तय करते हैं और साथ में उसमें अनाज भी तय करते हैं कि भाई इतना प्रति फैमिली को इतना पैसा देना है, इतना अनाज देना है, और उसमें ये भी खुला छोड़ते हैं कोई स्वैच्छिक चंदा अगर देना चाहता है, इससे ज़्यादा भी देना चाहता है तो उसके लिए भी स्वतंत्रता है। तो इस प्रकार से चंदा इकट्ठा करते हैं और गाँव में फिर हिला ख्याल का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक हिला ख्याल के आयोजन में, क्योंकि इसमें लगभग 5-6 हज़ार श्रोता आते हैं, 10-12 हिला ख्याल पार्टियाँ आती हैं, सबके लिए खाना, उनका नाश्ता, चाय, पानी, टेंट व्यवस्था, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए इसका खर्चा काफ़ी हो गया है इन दिनों, इसलिए आज हिला ख्यालों का आयोजन बहुत कम भी होता है। मैं अब आगे बात करूं कि हिला ख्याल का ढांचा क्या है, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि ये भी जानना बहुत जरूरी है, तभी शायद हम जब हिला ख्याल का गायन करेंगे तो शायद तब ठीक से हम समझ पाएंगे। तो हिला ख्याल की जो रचनाएं हैं, इस रचना में शुरुआत में एक दोहा होता है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि हिला ख्याल की रचना पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उसमें कुछ सामसामयिक मुद्दे भी होते हैं, कुछ राजनीतिक मुद्दे भी होते हैं, तो इस तरह के कि इनको आधार बनाकर हिला ख्याल की रचनाएं की जाती हैं। तो जिसमें इसका स्ट्रक्चर होता है रचना का, तो सबसे पहले उसमें एक दोहा होता है, जो दोहा उसे पौराणिक कथा से संबंध भी रखता है। दूसरी बात इसमें ये भी है कि कुछ दोहे प्रेरणादायी भी होते हैं कि लोगों को कोई प्रेरणा दे, कोई सीख दे, ऐसे दोहे भी गाए जाते हैं। दूसरा इसमें जो ढांचे में अगर देखते हैं तो इसमें
पूरे हिला ख्याल का एक आधार तय करने के लिए एक पेड़ होता है जिसको पेड़ कहते हैं, कि वो पूरे हिला ख्याल की एक नींव एक आधार को तय करता है कि ये किस किस राग में और किस मतलब ऊंची आवाज में ये जाएगा। तो वो पेड़ वो तय करता है इस चीज को उस रचना में। और तीसरी चीज इसमें कली होती है, कुछ लोग इस कलाकार इसको बताते हैं कि इसको कली भी कहते हैं और कुछ लोग इसको कड़ी भी कहते हैं कि ये पहली कड़ी ये दूसरी कड़ी उस कथा की। और तीसरी चीज ये और चौथा जो अंत में जो होता है इसका फिराव होता है कि जब हेला ख्याल जब गाया जाता है तो गायन के साथ साथ इसमें जब अंत में अगर वो द्रुत गति से वो अंतरा चलता है तब ये मानिए कि उस हेला ख्याल का या तो उसका आधा भाग हो गया उस कथा का या उसका एंड हो गया, ये श्रोता अनुमान लगा लेते हैं। क्योंकि जो लास्ट का जो अंतरा जो गाया जाता है जिसको फिराव कहते हैं उससे ये पता लग जाता है। अभी मैं आगे ये मेरे बात की हेला ख्याल के ढांचे को लेके अब मैं आगे बात करना चाह रहा हूं कि हेला ख्याल का एक्चुअल परिदृश्य क्या होता है। तो इस परिदृश्य के बारे में थोड़ा समय आप लोगों के साथ की वाद्य यंत्रों के बारे में बताऊंगा कि हेला ख्याल में जो वाद्य यंत्र का जो उपयोग किया जाता है इसमें एक वाद्य यंत्र नौबत होती है जो शायद आप सभी जानते भी होंगे। ये काफी बड़ा वाद्य यंत्र होता है, ये चमड़े का बना हुआ होता है जिसको बम्बली कहते हैं। दूसरा इसमें जो होती है हारमोनियम का भी उपयोग किया जाता है जो शायद अधिकांश जो लोक कलाएं होती हैं या गायन जो होती है उसमें हारमोनियम का उपयोग किया जाता है। इसमें ढोलक का भी उपयोग किया जाता है। और इसमें चौथा जो वाद्य यंत्र है वो नगाड़ी होती है, तो वो नौबत के साथ में नगाड़ी भी बजाई जाती है। और मजीरे और चिमटे जो वाद्य यंत्रों में, तो इन सभी वाद्य यंत्रों को शुरुआत में इसके परिदृश्य को देखते हैं तो अगर कोई भी हिला ख्याल पार्टी अपना हिला ख्याल गायन की शुरुआत करती है तो सबसे पहले वो वाद्य यंत्रों का मिलान करती है, उनको एक धुन में एक सुर में बजाती है। इससे ये कि एक रिदम बनता है उस पार्टी का। और साथ में इसमें यह कि उसमें कुछ हिला ख्याल कलाकार डांस भी करते हैं और हिला ख्याल कलाकारों के साथ साथ कुछ श्रोता भी आ जाते हैं और वो भी डांस करने लग जाते हैं। तो एक पूरे हिला ख्याल दंगल का जिसमें 2-4-5 हजार जो श्रोता होते हैं तो वो सब एकाग्रचित होके उस हिला ख्याल को सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं कि अब हिला ख्याल की शुरुआत होने वाली है। तो इस तरह से इस हिला ख्याल का एक परिदृश्य होता है जिसमें इस हिला ख्याल की पार्टी में लगभग 50 से 60 लोगों का दल होता है कलाकारों का, जिसमें 30-40 जो कलाकार होते हैं हिला ख्याल के वो अग्रभाग में हिला ख्याल को गाते हैं। और उसकी जो टेर है जिसको कहें हिला, जो नौबत के पास होते हैं वो 10-15 लोग 20 लोग होते हैं। वो जब अंतरा चलता है और साथ में जब लास्ट में हिला क्या जब आता है, मैं अभी आपको जब उदाहरण के साथ में इसको रखूंगा तो शायद आपके समझ में आएगा कि ये जब नौबत के पास में जो होते हैं कलाकार वो इसको हिला को ऊंचे उसमें लेके जाते हैं। तो ये इस तरह से इसका एक परिदृश्य है। और अगर आपको सभी को ये एक बार अगर ये देखना है इसका पूरा परिदृश्य तो आप लोगों को लालसोट जाना होगा, या लालसोट जा सकते हैं, हिंडौन सिटी में भी जा सकते हैं, भरतपुर, बयाना, सवाई माधोपुर, तो इन जगहों पर आप लोग जाके और इस आयोजन से रूबरू हो सकते हैं और इस पूरे परिदृश्य को आप लोग ठीक से देख सकते हैं। मैं तोमपाल जी, मनोज जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनको काफी अच्छा लग रहा है ये सुनकर, थैंक यू। तो अब मैं एक हिला ख्याल का जो परिदृश्य की जो अपन बात कर रहे हैं तो मैं अब चाहता हूं कि एक हिला ख्याल का एक उदाहरण के तौर पर आप सभी को एक हिला ख्याल गायन एक शैली जो है उस गायक में आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो अभी मैं राजा हरिश्चंद्र की आप सभी ने कहानी पढ़ी होगी सुनी होगी, तो मैं
हेला ख्याल मैं जो गायन करूंगा वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की जो कहानी है उस पर आधारित है और एक पूरी पौराणिक कहानी है। अनिल जी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अनिल जी ये खेड़ली में भी गाया जाता है, क्योंकि खेड़ली में जो कृषि उपज मंडी के जो व्यापारी है वो चंदा उगाकर और वो सभी जो हिला ख्याल पार्टियों को वो आमंत्रित करते हैं साल में एक बार, गंगापुर सिटी में भी इस तरह से करते हैं। तो ये तीन चार जिले हैं जहाँ पर, तो मैं जिले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके आयोजक बहुत सारी तहसीलों में, तहसीलों के साथ साथ गाँव में भी ये आयोजन इसके होते हैं। तो लालसोट तो पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है हिला ख्याल के उसमें। तो मैं आगे पहला ख्याल सत्यवादी हरिश्चंद्र का एक आप लोगों के साथ एक प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। तो इसका आप लोग देखिएगा कि जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उस स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो दोहा पेड़ कली और फिराप ये कैसे, इसमें आप लोग ये भी देखेंगे कि ये एक धुन में नहीं चलता है, इसमें हर अंतरे में भी आपको अलग राग आपको मिलेगी। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ये अजीब सा भी लग सकता है कि ये एक धुन में तो गाए नहीं जा रहा है, अलग अलग धुन इसकी कैसे आ रही है, लेकिन इस हिला ख्याल गायन की शैली है ये। तो अभी आप सभी के सामने में हेला ख्याल प्रस्तुत कर रहा हूं, दोहा की से शुरुआत है इसकी। फूल तोड़ने को गया और किस दुखिया काला आज नारी दुश्मन बन्यो मैंने देखो सारो हाल। मोए आप आगे पेड़ है, मोए एक लाल बाग में पाया री, मोए एक लाल बाग में पाया री, कौन कहे ये कुमार कन्हैया आज नाग बिसी ने खाया री, मोए एक लाल बाग में पाया री, अरे न बजे बाकी खुदाई आगे कली है। अरे बार निकल तारा आई यकवान कोने ये आवाज लगाई, ओ बाबा तिल कैसी मोए खबर सुनाई रे, सुन के जिया मेरो ओ घबरायो, ओ रानी सूरत देखिया हो से नहीं है तन में, अरे बदन जाको बिल्कुल मुर जाए, अरे बदन जाको बिल्कुल मुर जाए, अरे अभी छिड़ा बिन गैया, ओ मेरे छोना ओ मेरे ला, तुझे ढूंढू मैं कहा, तुझको किसने या सताया रे, ए आंखें खोलो मुख से बोलो, अरे Oh
सब तरह से किस्मत फूटी, विधाता हमसे रूठी। ए जी प्रीतम निर्भर भंगी घरिया भी अबला लूटी, लूटे गए और छूटे गए और आज अबदपुर को तेने कैसी रची ओ करता, ओ करता तेने डारे हो जोला में गुजा। ए कैसे जीऊंगी मैं बिन बेटा के, मेरे हाथन में से कैसो गयो राजकुमार। ए जी अबधपुरी पिया बिंगरे रोहित भी किनारा करके चला, कहा जाऊ क्या करूं विदाता, किस से लाऊ मैं अपनी सलाह। ये लाश कुमार की पड़ी रहे नहीं, अपना बीच में मरू गला। कोई नहीं है धीर धरैया, अज पर पैदू भी नहीं आऊ मेरे छैया। ओ या पार लगैया कोई नहीं दिखे रे, राम गजब कैसो डालो, राम गजब कैसो डालो। दिल में सबर कर लाश उठाई, चलत चलत रानी अति घबराई। अरे होश तन को सब बिसरायो, अरे अरे लाश मर गट पैदरी उतार किनारी ठारी खाए पचार। चोर से रुदन मचाव ओहो बहुत भारी चिल्लाव, हरिचंद आयो सुन हाहाकार। अजियो दुखिया ते आए यो बतरा यो, अरे लाश मर गट पैदरी उतार किरानी थारी खाए बचा। जोर से रुदन मचा ओ बहुत भारी चिल्लाव, हरिचंद आयो सुन हाहाकार। अजियो दुखिया से आए यो बतरा आयो, अरे लाश मर गट पैदरी उतार किरानी थारी खाए बचा। जोर से रुदन मचा बहुत भारी चिल्लाओ, हरिचंद आयो सुन हाहाकार। अजियो दुखिया से आयो बतरायो। तो ये अंत में जो मैंने गाया, जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक खराब है ये इस कहानी का ये आधा भाग है, और जिसको मैंने कहा था कि ये द्रुत गति से गाया जाता है, तो इसमें श्रोता ये अनुमान लगा लेते हैं कि इस कहानी का ये आधा भाग अब हो गया। इसी तरह से फिराब अंत में भी आता है, तभी भी अनुमान लगा लेते हैं। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ साथियों को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिसमें केसर लाल जी, ईश्वर सिंह जी, राम अवतार, महेश मेरे जो दोस्त हैं और मेरे ही गाँव के, ये भी काफ़ी सुनते हैं हिला ख्याल। तो आगे में इसी तरह आगे जो कहानी जो चलती है हरिश्चंद्र की, मैं इस कहानी को मैं पूरी कर देता हूँ, उसके और 5-6 अंतरे और हैं, और उसके बाद में फिर आगे कुछ बातचीत करेंगे। अभी वैसे 4:30 बजने को हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी शायद समय कम है, मैं आगे कुछ बातचीत करना चाहूँगा। तो बीच में अगर समय रहा और 2-5 मिनट का, तो मैं एक आध अंतरा और दूसरी जो पौराणिक कथाएं, लेकिन थोड़ा हिला ख्याल के बारे में मैं कुछ और बताना चाहूँगा, कुछ बातें शेष रह गई हैं। थैंक यू खेमशंकर जी। तो आगे मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हिला ख्याल क्या होता है, कि कुछ तो वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि जो मैंने इस हिला ख्याल
की एक जो छोटी सी एक प्रस्तुति दी, एक छोटा सा एक उदाहरण आप लोगों के साथ पेश किया। तो ये हिला ख्याल जो हुताई पौराणिक जो कथाएं हैं, जिसमें धार्मिक जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, साथ में जो समसामयिक जो मुद्दे होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि भ्रष्टाचारी हो, चाहे राजनीतिक हो, बाल विवाह हो, तो इस तरह के मुद्दों पर भी जो रचनाएं जो की जाती है, तो इसमें इन रचनाओं का जो करते हैं, तो इसमें जो पौराणिक कथाओं का तो इसमें लगभग 70% इसमें इनपुट होता है, लेकिन इसमें 30% जो मन के जो ख्याल है, क्योंकि नाम ही इसका जो हेला ख्याल, कि अपने मन के ख्याल जो विचार है उनको इसमें पिरोया जाता है, उसमें इसका मिश्रण किया जाता है, तो श्रोताओं को बहुत आनंद आता है और उनको काफी संतुष्टि मिलती है कि ये पौराणिक कथाओं के साथ साथ ये कुछ भी है कि इस तरह से मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और कि जो मेरे गांव के, क्योंकि मेरा गांव क्यारदा है हिंडोन सिटी में, तो वहाँ की जो हिला ख्याल कलाकार जो हैं, जिसमें मैं नाम लूंगा कि दो तीन हैं, मतलब वैसे तो काफ़ी है, लेकिन मैं अभी दो तीन का ही नाम लेना चाहूँगा कि जिसमें भंवर सिंह जी रहे हैं, जो अपने रचनाएं रचते थे, एक प्रभाती हैं जो बहुत ही अच्छी रचनाएं उन्होंने रची है हिला ख्याल की, और गोविंद सिंह जी हैं जो मेरे अंकल जी लगते हैं, वो हमेशा मेरे साथ मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, और मेरे प्रिय भती, मतलब इसको भतीजे वैसे लगते हैं लेकिन मेरे दोस्त की तरह है, सियाराम लहकोड़िया। तो इन्होंने हिला ख्याल के संकलन में गांव गांव जाके लोगों से साक्षात्कार में मेरे काफ़ी मदद की है, तो इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ अभी आप सभी के साथ, सभी के सामने। अब मैं जो आगे बातचीत करने वाला हूँ कि हिला ख्याल की जो स्थानीय जो जिसको कहे गायकी की जो भाषा है, ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो करौली के आसपास की जो भाषा है, जिसमें हमारा सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा आता है, इसमें जगरोटी बोली बोली जाती है, ये रचनाएं इसी भाषा बोली की होती है। इसमें कुछ ब्रज का मिश्रण होता है, क्योंकि ब्रज जो भाषा है वो भरतपुर और जो करौली है इसका जो बॉर्डर है, तो इसलिए ब्रज का भी इसमें मिश्रण मिलता है, और कुछ ढूंढाने का भी कुछ इसमें मतलब इसको के अल्प प्रभाव देखा जा सकता है जो हमारे हिला ख्याल की जो गायकी है इसमें। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप सभी को कि हिला ख्याल ये पूरे 12 महीने नहीं चलते हैं, हिला ख्याल की जो शुरुआत होती है प्रतिवर्ष ये बसंत पंचमी से शुरू होती है, ये काफ़ी हिला ख्याल कलाकारों ने मुझे बताया, और इसके पीछे वो लॉजिक भी देते हैं कि बसंत पंचमी को जो नौबत होती है उसकी पूजा करते हैं, सारे वाद्य यंत्रों की पूजा करते हैं, और बसंत पंचमी को हम सभी को पता है कि पतझड़ शुरू हो जाता है, और खेतों में हमारी जो फसलें हैं किसान भाई वो काफ़ी खुश नजर आते हैं, तो उस समय हिला ख्याल की एक शुरुआत होती है। और ये हम सभी को पता है कि लाल चोट में गणगौर जब आती है तो गणगौर को बहुत बड़ा विराट दंगल का आयोजन होता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ ये अन्य जो आयोजन होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि किसान वर्ग फसल कटने के बाद जब फ्री हो जाते हैं तब इसका आयोजन करते हैं, और तब ये कि सभी फुर्सत में होते हैं तो सबकी व्यवस्थाओं को करने में, और साथ में काफ़ी तो उस समय तो ये कि साथ में अलग अलग अनुष्ठानों पे भी हिला ख्यालों का आयोजन किया जाता रहा है। तो ये इस प्रकार से और मैं आगे दो तीन बातें और बताना चाहूँगा कि हिला ख्याल, क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे थे कि हिला ख्याल की जो विशिष्टताएं हैं, जिसकी क्या विशेषताएं इसकी क्या है, मैं क्योंकि इसका पूरा जो टाइटल है वो विशेषताएं एवं यात्रा पर है, तो मैं ये जरूर बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है अपने पास। तो हिला ख्याल की जो विशेषताएं है कि इसमें मतलब एक तो सबसे मैं बड़ी बात ये कहूंगा कि सामाजिक समरसता को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है हिला ख्याल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि
इससे समाज के जो लोग हैं, जिसमें कि इसमें मैं समाज की, मैं ये एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी समाजों की, क्योंकि इसमें कोई जाति विशेष का ये आयोजन नहीं होता है, इसमें सभी जाति वर्ग के जो समुदाय के जो लोग हैं वो इसमें भागीदारी करते हैं, चाहे वो चंदा के रूप में जो इकट्ठा करते हैं उसमें भी वो अपनी भागीदारी करते हैं, और श्रोता के रूप में भी वो अपनी भागीदारी निभाते हैं, और साथ में वो कलाकार भी होते हैं, हिला ख्याल गायक कलाकार। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जब लोग जब दंगल का जो आयोजन होता है, तब अनौपचारिक रूप से जब लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को एक साल में, कोई पाँच साल में, कोई चार साल में मुखातिब हो पाते हैं, लोगों से मिलजुल पाते हैं, तो ये एक इसका बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा ये कि जब लोग जाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि सगाई संबंध भी लोग मतलब ये इंतजार करते हैं कि भाई 3 महीने बाद में हिला ख्याल दंगल का आयोजन होगा, तभी चलते हैं उस गांव में, तब वहाँ बातचीत करेंगे, और कहीं हमारी लड़की के लिए लड़का देखेंगे, या कोई अगर लड़का की जगह से वो लड़की देखना चाहते, तो आपस में सगाई संबंध भी हो जाते हैं, ये भी एक इसकी विशेषता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तीसरी चीज में अब आगे जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसकी विशेषता है कि हिला ख्याल क्लासिकल में उपयोग किया जाता है, क्लासिकल का इसमें पूरी मात्राओं पर चलता है, जिसकी मैं बात कर रहा था 24 मात्राएं का भी हिला ख्याल का गायन करते हैं। दूसरी बात मैं इसमें ये कहूँगा कि जो लोगों में जो राग द्वेष, जो मनमुटाव जो होते हैं, तो इस हिला ख्याल के माध्यम से लोगों में प्रेम की भावना पैदा हो जाती है, एक दूसरे से बहुत लोग मिलते हैं जुलते हैं, और जो सारे जो उनके आपसी जो मनमुटाव होते हैं उनको भूल जाते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इसकी जो हिला ख्याल की जो विशेषता के रूप में कि श्रोता बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी रचना बहुत प्रभावी होती है, जो पौराणिक जो कथाएं हैं उनकी रचनाएं, प्लस कुछ समसामयिक जो मुद्दे होते हैं उनकी रचनाएं। मैं अगर मैं राजनीतिक उसकी बात करता हूं कि अगर चुनाव का अगर समय आया है, समय है, और उस समय हिला ख्याल का आयोजन अगर हो रहा है, तो हिला ख्याल आयोजन से पहले उन चुनावों की जो पार्टी, अलग अलग जो दल होते हैं, वो अलग अलग पार्टियों के हिला ख्याल पर अपनी रचनाएं रचते हैं और उसका गायन करते हैं। लगता है कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बाल विवाह हो रहा, तो बाल विवाह पर रचनाएं, या कोई और ऐसा मुद्दा भ्रष्टाखोरी का है ना, तो इन मुद्दों पर भी ये हिला ख्याल गाए जाते हैं, जिससे एक प्रेरणा मिलती है। एक इतने बहुतायत जो समाज जो वहाँ इकट्ठा होता है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा लोगों को एक प्रेरणा का एक स्रोत है हिला ख्याल। और मैं एक इसमें और बात कहना चाहूँगा कि इनकी रचनाओं में परिस्थितियों के अनुसार बहुत बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि अलग अलग जो रचनाकार हैं वो समय परिस्थिति काल के अनुसार वो बदलते रहते हैं अपनी रचनाओं को, और साथ में जो कुरूतियां हैं समाज में, जो कुरूतियों जिनकी मैं बात बाल विवाह उनकी बात कर रहा था, इनके साथ साथ कुछ ज्ञान विज्ञान की चीजों को पे भी ये हिला ख्याल की रचनाएं रचते हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर भारत पाक में अगर कोई भी मुद्दे को लेकर चल रहा है, जैसे मैं अभी एक उदाहरण देता हूं कि अभी 2 साल पहले पुलवामा जो अपने जैसे भारत पाक को लेकर हुआ था, इस पर ही ये हिला ख्याल की रचना की, और पिछले साल जून में इस पर हिला ख्याल का एक आयोजन हुआ, सभी ने काफी इसको सराहा। तो और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें विविध यंत्रों का उपयोग किया जाता है, तो लोगों को बहुत मजा आता है, लोग मतलब हिला ख्याल कलाकारों के अलावा जो श्रोता होते हैं वो भी झूम उठते हैं, और उनको ये इंतजार रहता है कि आगामी आयोजन इसका कब होगा, मतलब वो ऐसी प्रेरणा दे जाते हैं कि वो फिर उसका इंतजार करते हैं कि अब हमें लालसोट जाना है, या अब हमें हिंडौन जाना है, या अब हमें ब्याना जाना है ना, या भरतपुर जाना है, तो भरतपुर के पर्टिकुलर खेलली गांव में, या जो अपने ब्याना में बैर में है, तो इस तरह से लोग इंतजार करते हैं इसका। तो अंत में एक चीज और है कि इसको कहते हैं कि नगाड़े इसी में बजते हैं, मैं एक लाइन बोलूंगा इसमें कि नगाड़े इसी में बजते हैं, नौबत इसमें बजती है, इसी में धौसा बजता है, यानी ये राजा शाही गायन है जिसको कहते हैं हिला ख्याल। अंत में मैं एक और बात कहूंगा कि हिला ख्याल की ये तो हुई इसकी विशेषताएं, कि इसकी विशेषताएं के बारे में अगर ये चीज है, तो हमें लगता है कि हम सबको
इसको जीवंत बनाए रखने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद, कुछ साथी को काफी अच्छा लग रहा है। तो आगे हेला ख्याल पार्टियों की चुनौतियों के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ एक शेयरिंग करना चाहूंगा कि आज के जो युवा है वो हेला ख्याल पार्टियों में शामिल नहीं होते हैं, और उसके पीछे कारण है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा जो बालक है वो पढ़े और पढ़ लिख कर एक अच्छी सर्विस, अच्छी नौकरी पाए। ये अच्छी बात है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने जो बातचीत की बहुत सारे हेला ख्याल कलाकारों से, वो कहते कि भाई इससे आर्थिक अर्जन तो कुछ होता नहीं है, सिवा मान सम्मान के। मान सम्मान जरूर मिलता है, लेकिन मान सम्मान से पेट भरता नहीं है। पेट भरने के लिए कुछ अर्जन चाहिए, कुछ आर्थिक अर्जन चाहिए। इसलिए आज के जो युवा हैं वो इस हेला ख्याल की पार्टियों में, हेला ख्याल कलाकारों के साथ में वो, तो आज ज्यादातर जो हेला ख्याल जो गाए जा रहे हैं, जो तीन चार जिलों में कुछ पार्टियां हैं वो, उसमें ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही गा रहे हैं। दूसरी इसकी जो चुनौती के रूप में देखते हैं, एक तो आर्थिक तो वही है, सब लोगों का एक है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के नौकरी पाएं। साथ में आज मनोरंजन के साधन बहुत हो गए, क्योंकि आज टीवी, मोबाइल और लोगों के साथ ये कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया के बहुत सारी चीजें, व्हाट्सएप वगैरह आ गए, तो लोगों को रुचि इतनी रही कि वो जाके और वो हेला ख्याल की पार्टी में जाएं, सुने, कुछ बातचीत करें इसको लेके। तो इसलिए भी एक सबसे बड़ी एक जिसको कहें कि एक चुनौती के रूप में ये भी देखा जाता है। और इसमें ये भी देखते हैं कि भाई अब काफ़ी खर्चा होता है। एक हेला ख्याल दंगल आयोजन में मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी पैसा खर्च होता है, इसलिए हेला ख्याल दंगल के आयोजन कराने से भी लोग कतराते हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है ये। शाम को अगर इनका अभ्यास करने के लिए लोगों को जुटाना भी अपने आप एक चुनौती है, क्योंकि सब कहते हैं कि ये हमारा एक काम है, हमें फुर्सत नहीं है, इससे क्या मिलेगा, ये तो बाबा जी वाला राग है, इसको गाने से क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक तो इस रूप के ऐसे विचार भी आते हैं। लेकिन मैं उन सभी हेला ख्याल पार्टियों जो आज उन्होंने जो इसको कुछ जीवंत बनाए रखा है, वैसे काफ़ी प्राय लुप्त होती जा रही है ये शैली, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया व्यक्त करता हूँ कि आज उनकी 50 और 60 साल उम्र होगी, आज भी वो अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं। अब मैं आगे बात करूँगा हेला ख्याल इसको, क्योंकि जब मैं इसको लेके जब लिख रहा था, जो मैंने आप लोगों में बहुत सारी बातें शेयर की हैं, तो इसका जो शब्दकोश है, क्योंकि मैं एक बात आप लोगों को बताई भी थी कि जगरोटी जैसे बोली है, भाषा है, तो इस जगरोटी भाषा की जो रचनाएं हैं इनको सभी हिंदी भाषी, शायद सभी लोग उस पुराने कथा को नहीं समझ पाएंगे, तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इसका एक शब्दकोश बनाया जाए। तो मैंने जितना हेला ख्याल का मैंने संकलन जो किया है, तो संकलन जो किया है, तो उसका मैंने पूरा एक शब्दकोश भी इसका बनाया है। लगभग मैंने 50-60 हेला ख्यालों का संकलन किया और काफी हेला ख्याल पार्टियों से मैं मिला। तो एक और अंत में मैं एक और बात कहूंगा कि अगर इसको शिक्षण के उसमें अगर देखते हैं, तो लोक कलाओं को हम इसका उपयोग करते हैं, जिसमें हिंदी भाषा के जो शिक्षक साथी हैं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने वाले शिक्षक साथी हैं, वो लोक कलाओं का यूज भी करते हैं, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा एक बहुत मतलब ख्याल भी रखना चाहिए। मैं कहूँगा कि एनसीएफ 2005 भी ये कहता है कि हम लोक कलाओं की जो जो शैली है, जो परंपरागत जो कलाएं हैं, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या नहीं लें, क्योंकि लोक कलाएं बहुत सारी है, लेकिन उसमें से क्या नहीं लेना चाहिए, क्यों, और लोक कला को उपयोग लेने से पहले हमें, अगर हम उसको ये जान लेंगे पहले कि ये नहीं लेना है, तो फिर हमें संवैधानिक होना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये कि बहुत जरूरी है कि हम कोई भी लोक कला का अगर उपयोग करते हैं तो संवैधानिक होना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं एक हेला ख्याल की एक अंतरा कुछ आपको सुना के और फिर इसका अंत करेंगे। तो ये हेला ख्याल है पूतना संवाद, आप लोगों ने पूतना की
सुनी हुई कहानी महाभारत की। तो मैंने जो स्ट्रक्चर की जो बात की थी अभी, इसमें भी वही स्ट्रक्चर है। तो शुरुआत में कर रहा हूं, कर सोले श्रृंगार पूतना बन ठने हुई तैयार, अरे कृष्ण मारने चल गई देखो आज तन जरे लगा, चल दई नार कर के श्रृंगार, चल दई नार कर के श्रृंगार, याने लई डगर मथुरा से पैकर, जटी जमुना से हो गई पार, चल के श्रृंगा, ओ यशोदा के भवन में ओ गईया, ओ यशोदा के भवन में ओ गईया, घर में से बाहर यशोदा आई, यकुआंगन में ठाड़ी पाई, ओ तू कौन कहां से बहना आई रे, नंद रानी ऐसे ओ कह रहा ईए, पूतना भीतर ले गई लाल पलना में परों धाय, खुशी हो रही मन में, अरे बात कैसे सुपिला रही ए जी, मिली खबर मुए तेरे लाला की, सुन तैखे में चली आई, कैसे मुए भूल गई तूने तो मैं गोद खिलाई, चाचा ताऊन की खास बहन तू मत समझे कोई और पर, यो बोली यशोदा रानी, मैं भर लाऊ बेना पानी अब जानी, ओ मैं भूल गई तू लिपटे जी पटके दोन मिल रही है, जी ओ बहन में जमीना पे जाऊ नीर भर लाऊ, फटाफट आऊ न देर लगाऊ घरे मोए पहियो, ए जी दो दस दिन सुख दुख के लाली जब सासरे पुजियो, मुश्किल से चिपकायो ने किए आओ को ध्यान रख लीजो, ई जग आबे मेरो कृष्ण कन्हैया आए गोदी में ले लीजो, तू अचक चाक मत जइयो कछु दे जाए ले जइयो, तेरो जी जाऊआ जागो जब तक ने के बाउत बतरा जई, छोरी मत शर्मा बेपन पर तू आई, ए जी गागर को ले करे नंद रानी यमुना तट पर आई, सखियन संग पानी भर रही है, अरे श्याम पलना ते लिया उठाए पूतना मने मन घबराए, डूबती इति बित जाब ओ, कोई नहीं आया जाब, याते पहले काम मेरो कहू नहीं हो जाब रे, अजियो
अब तो एकदम जल्दी पारी पूतना कर रही है, अब तो एकदम जल्दी बात पूतना कर रही है। अरे चाम पलना ते लिया उठाए पूतना मने मन घबराए ढूंकती तिबित जाब ओ कहीं नहीं आया जाब याते पहले काम मेरो कहीं नहीं हो जावे रे आजियो ओ एकदम जाली बल्दी पूतना भर रही है। ये इसका जिसको कह कि आधा भाग हुआ है इस पौराणिक कथा का, और इसका आगे और है, समय वैसे पूरा हो गया है तो मैं अब क्योंकि आगे भी है वैसे इस कहानी का हिस्सा जिसमें चार पांच अंतरे और भी हैं तो मैं अब इसका एंड करना चाहूँगा क्योंकि समय पूरा हो गया है, समय से ज़्यादा ही हमने समय ले लिया है। तो सभी सभी को जो साथियों ने मेरा लाइव सुना है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही संक्षिप्त समय में मैंने ये प्रस्तुति दी, आगे कभी मौका मिलेगा तो मैं हिला ख्याल के बारे में काफ़ी विस्तार से और आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।